गुड मॉर्निंग व्यावसायिक छात्रों, मैं आपका शिक्षक दीपक सिंह, व्यावसायिक शिक्षक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये पांचवें पेपर में हम प्रवेश कर रहे हैं। लॉकडाउन का फॉलो करते रहें आप लोग, क्योंकि लॉकडाउन ज़रूरी है। और टेलीविज़न में तो आप लोग, सॉरी, मोबाइल में तो रोज़ सुन ही रहे हैं कैसे रहना है। मेरी तरफ़ से भी कई वीडियोस आपको दिए गए हैं इस पे। खैर, हम लोग आते हैं पांचवें पेपर में। ये है आपका पांचवें पेपर, हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें मैंने आपको पेज दे ही दिए हैं। पेज के बाद कुछ रेफरेंस वीडियोस, आप पुराने लक्स एंड आरएचए से आपने लिया ही होगा। और ये करंट में कुछ जो है, छोटे धीरे धीरे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए पांचवें पेपर में क्या है, जो पेजेस मैंने आपको दिया है कि टेलीविज़न का प्रसारण और ग्रहण, मतलब ट्रांसमिट करना और रिसीव करना, इसका ब्लॉक डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट होता क्वेश्चन है। एंटीना के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं, एंटीना कैसा होता है। सीआरओ एक आप कैथोड रे ट्यूब, हाई स्कूल से पढ़ते चले आ रहे हैं हम लोग। और रास्टर क्या होता है, स्कैनिंग क्या होती है, टेलीविज़न रिसीवर के ब्लॉक डायग्राम बनाइए, उसके कंट्रोल क्या होते हैं, आप कंट्रोल किए ही हैं टेलीविज़न का चैनल बदलना, तो कंट्रोल कंट्रास्ट वगैरह ये सब चीज़ें कंट्रोल्स हैं उसकी, तो इसी को इसमें देखना है मैक्सिमम। और ये 60 नंबर का ही पेपर है, हर व्यवसायिक पेपर आपका, तो कक्षा 11 का ये है और फिर 12 का भी आपको हम दिखा देंगे। तो पेज आपके पास ही है, आते हैं देखते हैं इसमें क्या है। टेलीविज़न का परिचय दे रहा है, टेली का अर्थ दूरी है, विज़न का अर्थ है दृष्टि है, दूर दृष्टि, इसी को दूर की दृष्टि को देखना सुनना, और वही टेलीविज़न है। तो देखिए एग्जांपल दे रहा है, संचार का वह माध्यम जिसमें चल अचल चित्रों को रेडियो तरंगों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा और ग्रहण किया जा सके, टेलीविज़न कहलाता है। और इसके आविष्कारक बैकवेल 1887 में, लेकिन व्यावसायिक स्तर पे इसका श्रेय अमेरिका के जेएल बेयर्ड को जाएगा, और उन्होंने अपना सिद्धांत दिया। देखिए एक ब्लॉक डायग्राम है सामने ही आपके, टीवी ट्रांसमीटर का, मतलब जैसे कि आप यहाँ बैठ के बोल रहे हैं तो आप माइक से बोलेंगे तो फिर ये आपकी ध्वनि है, माइक आपका ध्वनि सिग्नल को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, ऑडियो एम्पलीफायर को देके, एफएम साउंड ट्रांसमीटर को देके आगे बढ़ाएगा एरियल की तरफ, ताकि आपकी तरफ आप उसको रिसीव कर सकें मोबाइल से अपने। और साथ ही साथ यहाँ एक कैमरा भी रहेगा जो कि आपके चलचित्र को स्कैनिंग और सिंक्रोनाइज करेगा, और वीडियो एम्पलीफायर को देगा। वीडियो एम्पलीफायर मतलब उसके सिग्नल को बढ़ा देना और बढ़ाना, और ट्रांसमीटर रहेगा वो ट्रांसमिट कर देगा इसको, और एंटीना को सीधे दोनों साउंड और वीडियो सिग्नल आपके ट्रांसमिट हो जाएंगे। तो यही टेलीविज़न प्रसारण प्रणाली का सिद्धांत भी है, चलचित्र का सिद्धांत भी है। इस ब्लॉक डायग्राम को आपसे पूछता है कभी कभी 4 नंबर का, तो आप ज़रूर इसको देखते रहें, याद करें, इसके पेज मैंने आपको दे भी रखे हैं। दूसरा, आप इसकी जो इसमें काम करने वाली चीज़ें हैं आप देख ही लिए। एफएम आपसे पूछ सकता है कि रिसीवर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो टीवी कैमरा है, स्कैनिंग सिंक्रोनाइजिंग है, वीडियो एम्पलीफायर है, एएम वीडियो ट्रांसमीटर है, माइक्रोफोन जिससे आप बोलते हैं, ऑडियो एम्पलीफायर है, एफएम ट्रांसमीटर है, और एंटीना है, इतनी चीज़ें रहती हैं। और इसमें ग्राहता रिसीवर, रिसीविंग जो प्रणाली होती है कि जिसके अंदर टेलीविज़न ग्राहता रिसीविंग सिस्टम ऑफ टेलीविज़न, तो उसमें आप रिसीव करते हैं, तो उसका ब्लॉक डायग्राम यहाँ दिया हुआ है जिसमें एक साउंड सेक्शन अलग से है, साउंड इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी एंड डिटेक्टर और एएफ एम्पलीफायर के साथ साउंड को लाउड स्पीकर को देके ध्वनि में ले लिया जाता है। और ये एंटीना से आपको मिलने वाले सिग्नल आरएफ ट्यूनर, आईएफ ट्यूनर और वीडियो डिटेक्टर से मिलते हुए, और यहाँ पे आपको वीडियो एम्पलीफायर में सीआरओ पर आपको दिखाता है, साथ में ईएसटी में आपको बताऊँगा, एक्स्ट्रा हाई ट्रांसफार्मर है सिग्नल का, तो ये आपको आगे मिलेगा और इसको हीट करेगा तभी इस पे इलेक्ट्रॉन चमकते हैं, आपको पिक्चर दिखाई देती है। सिंक्रोनाइजिंग डिटेक्टिंग सर्किट है, और ये ईएसटी सेक्शन हो गया, और ये आपका आईएफ वीडियो रेक्टिफायर करके, ये आपका टेलीविज़न रिसीवर की रूपरेखा है, ब्लॉक डायग्राम है। इसे अगर आप बनाते हैं तो ये पूछता है, तो ये करीब 5-6 नंबर का आपसे सवाल बनता है।
और इसको 5 खंड में आप मोटे तौर पे बांट लेंगे, कॉमन वीडियो, साउंड सेक्शन, ये आपका वीडियो सेक्शन हो गया, साउंड सेक्शन हो गया, और वीडियो एंड साउंड सेक्शन को यहाँ पे आपने जो है मिक्सअप किया आरएफ ट्यूनर एम्पलीफायर वीडियो डिटेक्टर से। तो इस तरह से आपका ये एक बढ़िया क्वेश्चन बनता है। और अगर आप दूसरा देखें तो साउंड सेक्शन का कभी कभी पूछता है कि साउंड सेक्शन में कैसे रहता है टीवी के अंदर, तो इनपुट वीडियो डिटेक्टर से आपको सिग्नल मिलता है और साउंड आईएफ एम्पलीफायर में लिमिटर के द्वारा। लिमिटर बेसिकली देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है कि एक स्टेज दूसरी आईएफ का अधिक एम्पलीफिकेशन करना, और साथ ही डिटेक्शन के लिए सिग्नल के एम्पलीट्यूड मतलब में परिवर्तन को सीमित करना, जो एम्पलीट्यूड बढ़ घट रहा है उसको सीमित करना, और डिस्क्रिमिनेट करना, और मतलब एक एक तरह से इसको अर्थ से मतलब जो है आरएफ सिग्नल से आरएफ अंश को पृथक करके अलग बाईपास कर देना, और एएफ अंश को दे देना आउटपुट एम्पलीफायर को, मतलब जो इसमें डिस्क्रिमिनेट हो उनको ड्राइवर को देके इस ऑडियो एम्पलीफायर को आउटपुट देके और सिग्नल को मजबूत बढ़िया बनाना एक तरह से, और लाउड स्पीकर को देना ताकि जो है आपका फिर साउंड सिग्नल इलेक्ट्रिक सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से साउंड सिग्नल में बदल जाना। ये लाउड स्पीकर का सिद्धांत भी है, यही होगा। और ईएसटी के बारे में आप जान लीजिए, तो ईएसटी आपका एजीसी आपका फुल फॉर्म पूछता है, तो ऑटोमेटिक गेन गेन है ये, और सिंक से तो मैंने आपको बताया कि सिंक क्या होता है। ईएसटी आपका जो है बूस्टर मतलब कि बूस्ट करना, और किसी चीज़ को आप बूस्टर पीते भी हैं, और इसमें आपको ईएसटी हम देखना चाह रहे थे कि ईएसटी में आपको इसमें क्या बताया है, हॉरिजेंटल ईएसटी को इधर यहाँ नहीं डिक्टेट कर रहा है, आगे देखते हैं हम लोग, तो ईएसटी आएगा। तो ईएसटी डायोड है आपका यहाँ पे, यह मतलब एक तरह से करंट फ्रीक्वेंसी को ही बढ़ाती है, और सिरों को उच्च वोल्टेज पैदा हो जाता है, और इसमें एक्स्ट्रा हाई ट्रांसफार्मर में। और आगे नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्वेश्चन आंसर भी आपको दिया ही गया है, और फिर आपको एंटीना आता है। एंटीना आप देखें तो एंटीना तीन तरह के होते हैं, एक तो भेजने वाला एंटीना होता है, और एक ग्रहण करने वाला एंटीना होता है जो कि आप आपके घरों पर लगा हुआ है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई भी सीमित रहती है। तो प्रेसी एंटीना जो भेजने वाले एंटीना होते हैं, एक हर्ट्ज एंटीना, एक मार्कोनी एंटीना है, और ये इनका चित्र भी इस तरह से आप देख सकते हैं, और दो तरह के ये होते हैं। और फिर अन्य एंटीनाज में अगर आप देखें तो इंडोर एंटीना, घर के अंदर लगाने वाला टेलीस्कोपिक एंटीना, ब्रॉडकास्टिंग एंटीना, इस तरह के एंटीना भी टावर एंटीना आपके आप से एंटीना के प्रकार में पूछा जा सकता है। और फीडर और ट्रांसमिशन लाइन आप घरों में जो दो समानांतर लाइन भी, दो ऐठे हुए तार वाली लाइन भी चलती है, कोएक्सियल लाइन भी चलती है, तो ट्रांसमीटर को एंटीना से जोड़ने के लिए जो लाइन आप यूज करते हैं वही ट्रांसमिशन लाइन आपकी कहलाती है। तो इकहरी लाइन वाली भी रहती है, कोएक्सियल दो दो वाली ऐठी वाली भी रहती है, इस तरह का आपका एंटीना में। और सीआरओ आप पढ़ते आए हैं, देखिए अक्सर पूछ देता है कि सीआरओ का कार्य बताइए और चित्र बताइए, तो बेसिकली यहाँ पर दो ठो कैथोड रहते हैं और फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन चलता है, और फोकस होता है, ग्रिड से कंट्रोल होता है, और ये एक तरह इस पे आपके पॉलिस्फर कोटिंग रहती है, एल्यूमिनाइज कोटिंग भी रहती है, और इसके ऊपर ग्लास फेस प्लेट रहती है सीआरओ, इस पे इलेक्ट्रॉन आता है और पड़ता है, और इस ये ग्रिड से प्लस माइनस उसको कंट्रोल कर किया जाता है ताकि ये सीधे जाए, इस पे पड़े और फैल के आपको ब्लैक एंड वाइट पिक्चर ट्यूब आपको ये मैं दिखा रहा हूँ, इस पर आप क्वेश्चन बनता है कि आप एक सचित्र बनाइए, चित्र बनाइए, और उसका सही मतलब नामकरण करते हुए उसका कुछ कार्य लिखिए।
10 लाइन में, 5 लाइन में, तो ये भी आप इसको देख सकते हैं। और इसके अंदर पिक्चर ट्यूब ही है, पिक्चर ट्यूब को आप ढंग से समझा दें तो ये आपका पिक्चर ट्यूब का जो है दोष भी आपको दिखाना होता है। कभी कभी कम इल्यूमिनेशन हो पाता है, हीटर ओपन हो जाता है, अंदर से शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ये है। और रास्टर चैनल क्या है ये आप देखें, तो स्कैनिंग क्या है, प्रोग्रेसिव स्कैनिंग होती है, इंटरलेस स्कैनिंग होती है। तो प्रोग्रेसिव स्कैनिंग में चित्र 625 क्षैतिज लाइनों में विभक्त किया जाता है, और जो आप चित्र टीवी के देखते हैं वो 636 क्षैतिज लाइनों में विभक्त किया जाता है, इसमें प्रोग्रेसिव स्कैनिंग कहा जाता है। और इंटरलेस वाली स्कैनिंग में जो है पहली बार में 312 और शेष 312 लाइनों की स्कैनिंग दूसरी बार की जाती है, तो इसको हम इंटरलेस स्कैनिंग कहते हैं। रास्टर क्या है कि जब आप सीआरओ पे पिक्चर ट्यूब पे इलेक्ट्रॉन पड़ने लगते हैं तो वो जो है चमकते हैं, तो उसे हम रास्टर कहते हैं। जैसे आप टीवी खोलते हैं तो चमकते हैं रास्टर, उसे इलेक्ट्रॉन चमकते हैं तो उसे हम रास्टर कहते हैं। चैनल का आवंटन अगर आप करते हैं तो प्रथम बैंड में चैनल जो है आप देखें तो 41 मेगाहर्ट्ज़ से 47 मेगाहर्ट्ज़ तक, और चैनल 3 से 54 तक, तीन चैनल जो है आपका 54 मेगाहर्ट्ज़ से 61 मेगाहर्ट्ज़ तक, दूसरे चैनल का आपका 47 से 54 और फिर 54 से 61 मेगाहर्ट्ज़ तक, चार प्रथम बैंड के लिए 4 चैनल आते हैं। और द्वितीय बैंड में आपके जो है FM के लिए प्रयोग किया जाता है, ये 88 मेगाहर्ट्ज़ से 108 मेगाहर्ट्ज़ तक होता है। और तृतीय बैंड में 8 चैनल शामिल हैं, और इसमें 12 चैनल पहले होते थे, आप देखे ही हैं। तो इस तरह का सवाल पूछता है आपसे। और भारत में टेलीविज़न का स्तर यही है कि इसका बेयर्ड को दिया जाता है, और दिल्ली में दूरदर्शन केंद्र शाम 6:10 पर कार्यक्रम दिखाए जाने लगे, और मुंबई में 2 अक्टूबर 1972 में, और दिल्ली में 15 अगस्त 1965 में, और रंगीन टेलीविज़न 15 अगस्त 1982 में, और उस समय इंदिरा गांधी जी दूरदर्शन में, और 18 इसमें इस पेज को आप पढ़ लेंगे थोड़ी हिस्ट्री भी आपको मिल जाएगी। और इस पेज को मैंने आपको दिया है, और कक्षा 11 का भी ये जो है इसमें फिर आपका एक तरह से ये टेलीविज़न के स्विच शाम रिसीवर के ब्लॉक डायग्राम जो आपको मैंने दिखाया वो आपसे पूछ सकता है, ये चैप्टर है। और रंगीन टेलीविज़न का ब्लॉक डायग्राम भी आप एक तरह से इसमें RF ट्यूनर, वही साउंड सेक्शन, वीडियो सेक्शन CRO को, और इधर आपका EST सेक्शन, EST सेक्शन के लिए आप हॉरिजॉन्टल आउटपुट ड्राइवर और वर्टिकल आउटपुट से इसको EST को देंगे तो ये CRO को देगा। मेरी थैंक्स छात्रों, दूसरे वीडियो में देखते हैं इसको।